भोपाल के टीबी मॉल में गुरुवार की शाम को साबरमती रिपोर्ट फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। शुक्रवार को रिलीज होने वाली फिल्म की स्क्रीनिंग में सभी ने उत्साह दिखाया और यह शो हाउसफुल रहा। 2002 में साबरमती एक्सप्रेस अग्निकांड पर आधारित इस फिल्म ने ऐसे मुद्दे को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया है जिसे लंबे समय तक छिपाया गया। संवेदनशील मुद्दा होने के बावजूद भी फिल्म ने लोगों को जोर से हंसाया और दर्शकों के रोंगटे भी खड़े किए। एकता कपूर के बैनर तले फिल्म का निर्देशन धीरज सरन ने किया है। मुख्य भूमिका में विक्रांत मैसी ने फिर से 12वीं फेल की तर्ज पर शानदार अभिनय किया। वहीं रिधि डोगरा राशि खन्ना पर भारी नजर आईं। हालांकि राशि ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। साबरमती रिपोर्ट की कहानी सत्य घटना पर आधारित है। किस तरह से मामले में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और उसमें कुछ मीडिया संस्थानों की क्या भूमिका रही, ये बड़ी बारीकी से बताया है। इस पूरे कांड में किस तरह से पूरी प्लानिंग के साथ घटना को अंजाम दिया गया, ये इस फिल्म की कहानी में दिखाया गया है। फिल्म में हिंदी पत्रकारिता को अंग्रेजी से कम आंकने के मुद्दे को भी बारीकी से दिखाया गया। धीरज सरन की ये निर्देशक के रूप में पहली फिल्म है। इससे पहले वे अभिनय के साथ संवाद भी लिख चुके हैं, साथ ही कई सीरियल का भी निर्माण कर चुके हैं। फिल्म में युवाओं के लिए देश और सनातन के लिए जागरूकता का संदेश दिया है। साथ ही फिल्म के अंत में अयोध्या के रामलला के दर्शनों ने सभी दर्शकों को जय श्री राम का नारा लगाने के लिए उत्साहित कर दिया। फिल्म देखने आए दर्शकों के उत्साह को देख कर लगता है कि आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट साबित होगी। ये पिक्चर देख के हमें बहुत ही अपने आप पे गर्व महसूस हुआ है कि सत्य को जानना बहुत जरूरी है। जो भी बहुत बड़ी बड़ी साजिश है उसको हम सच समझ लेते हैं, लेकिन उसके पीछे का राज कुछ और ही होता है। तो जो अगर एक व्यक्ति है अपनी पहचान दिखाना चाहता है, उसके माध्यम से कुछ सच को बताना चाहता है, तो उस व्यक्ति को समझे और उसका साथ दे ताकि देश और राष्ट्र का भविष्य भी बना। तो देखा यहाँ पर कि भारत का जो भविष्य है, भारत का जो युवा है बहुत ज्यादा उत्साहित है। वो स्वयं चाहता है कि हम सत्य के साथ खड़े हो और सत्य को आगे बढ़ाए। मुझे लगता है कि आने वाला भारत का भविष्य बहुत उज्ज्वल होकर इस प्रकार के जो इनिशिएटिव है ये निश्चित रूप से आने वाले भविष्य को सत्य के मार्ग पर लेकर आएंगे और हमेशा सत्य की रक्षा करने के लिए जो भारत देश की एक पहचान रही है फिर से उस भारत को गौरवशाली इतिहास उसका वापस सामने लाकर फिर से भारत एक विश्व का सिर मोड़ रहा है। भारत की जनता को प्रणाम करता हूँ। आपके विरोध ने किसी सरकार को चुना है। भारत में दुर्घटनाएं घटी है, दुर्घटनाएं घटी जानबूझ कर साजिश थी।